हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, LIC का जो हमने जीवन लाभ प्लान के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, जीवन लाभ 936, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, जहां पे हमने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात की थी इस प्लान की। दूसरा, हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पे बात की हुई है कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, वहां पे मैंने बताया हुआ है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने वहां पे आपको बताए हुए हैं। दोस्तों, बेनिफिट्स के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो मैंने आपको वहां पे दी हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऊपर आई मेन्यू पर जाके भी आप देख सकते हैं। LIC का जो जीवन लाभ है दोस्तों, वहां पे हमने एक ही एग्जाम्पल को कंपेयर किया था। आज हम इस वीडियो में तीन एग्जाम्पल के साथ में इस प्लान को समझेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहां पे दोस्तों हमारी एज यहाँ पे 30 इयर्स की मैं ले रहा हूँ, सम एश्योर्ड यानी कि बीमा की राशि 5 लाख की ले रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल LIC वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर देने के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस आउट नहीं करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में अपनी एज 30 इयर्स की ले रहे हैं, यानी कि 30 साल की हमारी उम्र है। सम एश्योर्ड हमने 5 लाख का लिया हुआ है, जहां पे हम तीन एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। हम तीन उदाहरण यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिसी टर्म, यानी कि कितने समय की पॉलिसी होगी तीनों एग्जाम्पल में। अगर दोस्तों आप 25 साल की पॉलिसी की समय लेते हैं एग्जाम्पल 1 के लिए होगा वो, 21 साल की पॉलिसी समय एग्जाम्पल 2 के लिए, और 16 साल की समय एग्जाम्पल 3 के लिए है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, यहाँ पे हमें कितने समय के लिए प्रीमियम भरना होगा। अगर आप 25 साल का पॉलिसी समय लेते हैं तो आपको 16 साल के लिए पैसे भरने हैं, 21 साल वाले के लिए 15 साल तक के लिए भरना है, 16 साल की पॉलिसी के लिए 10 साल तक आपको यहाँ पे प्रीमियम भरना होगा दोस्तों, रिमेनिंग टाइम आपको नहीं भरना होता है। प्रीमियम की अब हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल 1, 25-16 में आपको पर डे की सेविंग 69 रुपीज की है दोस्तों, यानी कि राउंड फिगर 70 रुपीज। फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रीमियम है मंथली में 2196 है। रिन्यूअल प्रीमियम सेकेंड ईयर से आपका 2148 होगा दोस्तों, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 के लिए आपकी पर डे की सेविंग 80 रुपीज की है दोस्तों, जहां पे हमारा मंथली फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 2528 है और सेकेंड ईयर से मंथली प्रीमियम 2473 है दोस्तों। और यही अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका पर डे का सेविंग 122 रुपीज होता है, जहां पे हमारा मंथली प्रीमियम फर्स्ट ईयर का 3859 रुपीज का है, और यही सेकेंड ईयर से रिन्यूअल में मंथली प्रीमियम 3776 रुपीज है दोस्तों। आप यहाँ पे प्रीमियम के देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की मैच्योरिटी देखें दोस्तों, तो टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 13,12,500 रुपीज का, जहां पे आपका टोटल प्रीमियम कलेक्ट करती LIC, जमा करती अपने पास में LIC, वो है 4,04,828 रुपीज। आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, मैंने पूरा ही आपको डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 10,12,000 रुपीज का, टोटल प्रीमियम आपका यहाँ पे जमा होता है 4,36,975 रुपीज दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 3 में, यानी कि 16 ईयर का टर्म और 10 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म में हमें टोटल कितना रिटर्न मिलता है। यहाँ पे हमारा रिटर्न होता है 8,32,500 रुपीज का, जहां पे हमारा टोटल प्रीमियम जाता है 4,44,997 का। अब हम बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट का मतलब, मान लो कोई इस प्लान को ले रहा है पर आगे चल के उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के पीछे दो रीजन होते हैं दोस्तों, या तो डेथ नेचुरली हो, यानी कि कुदरती तौर पे कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए उसके जरिए डेथ हो, या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, जिसमें पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहां पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये दोनों टाइप के आपको
रिस्क कवर प्रोवाइड किए जाते हैं एलआईसी की तरफ से। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल थ्री के हम यहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे जो हमने डेथ बेनिफिट कवर किया है वो पॉलिसी लेने के 4 साल बाद से कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको रिस्क कवर तब से ही मिलेगा। रिस्क कवर हमारा पॉलिसी चालू होने से पॉलिसी के एंड तक रहेगा, पर हमने जस्ट एग्जाम्पल के लिए माना है कि पॉलिसी होल्डर 4 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे नॉमिनी को कितना अमाउंट रिसीव होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 साल का समय लिया हुआ है दोस्तों। तो नेचुरल डेथ पे एग्जाम्पल वन में नॉमिनी को जो रिटर्न मिलता है 10,94,000 रुपीज का, पैसा ही पैसा हो गया। एक्सीडेंटल में मिलता है 15,94,000 रुपीज का रिस्क कवर। एग्जाम्पल टू में अगर हम नेचुरल की बात करें तो 10,88,000 का है नेचुरल रिस्क कवर, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर है 15,88,000 रुपीज का। एग्जाम्पल थ्री में नेचुरल रिस्क कवर दोस्तों अगर हम देखने को चलते हैं तो यहाँ पे 10,80,000 रुपीज का है नेचुरल रिस्क कवर, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर हमारा है यहाँ पे 15,80,000 रुपीज का। दोस्तों एक जनरल नोट है मेरी तरफ से आपके लिए कि यहाँ पे दोस्तों जितने भी हमने यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करके बताया आपको तीनों ही एग्जाम्पल में, उसमें हमने एक राइडर बेनिफिट को ऐड किया होगा जो कि हमारा टर्म राइडर है। अगर दोस्तों आपको टर्म राइडर के बारे में नहीं पता और या फिर राइडर बेनिफिट के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे 5 राइडर्स के मैंने वीडियो बना दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है और तो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मजा आया। जयेश आर शर्मा, आपका अपना LIC वाला। और दोस्तों अगर आप चाहते हो तो आप हमें Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो, Telegram पे हमारे ऑफिशियल चैनल है, वहां जाके आप कुछ भी डाउट पूछो LIC के रिगार्डिंग, मैं आपको 100% वहां सॉल्यूशन दूंगा निकाल के। YouTube पे तो आपने सब्सक्राइब अब तक कर ही लिया होगा दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।